विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में लगातार बढ़ रही भक्तों की संख्या को देखते हुए जल्द ही इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर हॉफ ऑन हॉफ ऑफ बसों की सुविधा मिलेगी। ये सभी बसें महाकाल मंदिर से चलकर उज्जैन शहर के प्रमुख मंदिरों तक जाएगी। इससे उन भक्तों को फायदा मिलेगा जो महाकाल मंदिर दर्शन के बाद उज्जैन दर्शन करने चाहते हैं। इसमें खास बात ये रहेगी कि भक्त एक बार टिकट खरीदना होगा जो दिन भर के लिए वैध होगा। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने 10 इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर हॉफ ऑन हॉफ ऑफ बस खरीदने का निर्णय लिया है। बस की डिजाइन फाइनल हो चुकी है, सिर्फ टेंडर होना बाकी है। महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि मंदिर समिति के पास अभी एक बस है जिससे श्रद्धालु उज्जैन शहर के अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालु की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते कुछ महीनों से वीकेंड में से संख्या 2 लाख से ऊपर होती है। जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं वो उज्जैन और अन्य मंदिर भी घूमना चाहते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए एसी बसों की सुविधा भक्तों को देने जा रहे हैं। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि सभी बसें एयर कंडीशनर होंगी। यूरोप में चलने वाली बसों की तरह ऊपर से खुली रहेंगी जबकि नीचे वाला फ्लोर पूरा एसी रहेगा। सभी बस इलेक्ट्रिक रहेंगी जो कि महाकाल मंदिर से चलकर मंगलनाथ, काल भैरव, गढ़कालिका, सांदीपनी आश्रम सहित शहर के प्रमुख मंदिरों तक चलेगी। हॉफ ऑन हॉफ ऑफ बसों की टिकट के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिससे भक्त ऑनलाइन टिकट बुक करा सकेंगे। यही नहीं, भक्त एक बार टिकट लेकर किसी भी मंदिर या जगह पर मन चाहे समय तक रुक सकेंगे। जिस बस से वे आए थे अगर वो निकल भी जाती है तो अगली बस में बैठकर यात्रा कर सकेंगे। सभी 10 बसें एक के बाद एक समय अनुसार निकलेंगी जो कि पूरा एक चक्कर लगाकर शाम तक श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर में अंतिम स्टॉप पर छोड़ देंगी। देखिए, हम सभी परिचित हैं कि वर्तमान में जो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, वीकडेज में लगभग 1 लाख है तो वीकेंड्स पे 2.5-3 लाख तक पहुंच जाती है। मतलब ये निश्चित रूप से जो श्रद्धालु दर्शनार्थी आ रहे हैं, और यही ये संख्या आप महाकालेश्वर मंदिर में नहीं जो यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरे मंदिरों में भी और दूसरे स्थानों पर भी बढ़ी है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर दर्शनार्थी घूमना चाहते हैं, सभी मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं। तो अभी हमारी एक बस चलती है और वो एक बस चूंकि लिमिटेशन है उसकी, इसी कारण से प्रबंध समिति में निर्णय लिया गया है कि हम एसी इलेक्ट्रिक बसेस और हॉप ऑन हॉप अप जैसी बसें चलती हैं जिसमें कि आप एक बार आप टिकट ले लोगे और टिकट लेने के पश्चात आप किसी बस में बैठ सकते हैं, किसी बस में उतर सकते हैं, और वो जो पूरा नेटवर्क रहेगा उसमें हमारी 10 बसें, हम चूंकि 10 बसों के साथ में टेंडर कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक बस रहेंगी, एसी बसेस रहेंगी, और नीचे एसी बस रहेगी और ऊपर उसका जो रहेगा, जो ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर रहता है उसमें पूरी तरह ओपन रहेगा और उसमें सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। तो ये व्यवस्था के लिए हमारा जो टेंडर, चूंकि प्रबंध समिति ने निर्णय ले लिया है तो टेंडर डॉक्यूमेंट लगभग तैयार है, आने वाले 1-2 दिनों में इसको टेंडर फ्लोट करेंगे और होपफुली बिडर से पार्टिसिपेट करेंगे और आने वाले दिनों में यहाँ पर हॉप ऑन हॉप बसेस चलती हुई दिखेंगी आप।